हाय गाइज, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइज़। आज की इस वीडियो में हम आईफोन्स के लिए करेक्ट चार्जिंग मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ठीक तरीके से अपने डिवाइस को चार्ज नहीं करोगे, अगर आप गलत चार्जिंग मेथड यूज़ करते हो, तो इसके साथ आपकी जो आईफोन की बैटरी हेल्थ है वो काफ़ी जल्दी ड्रॉप होने लगती है। सो गाइज, सीधा सीधा आपकी जो चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपकी साइकिल काउंट्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसीलिए अगर पहले आप मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ चेकआउट कर सकते हो, 91% है। तो इस डिवाइस को मुझे यूज़ करते हुए 2 साल होने को हैं, क्योंकि मैंने इस डिवाइस को पिछले साल बाय करा था, वो भी अक्टूबर के मंथ में। तो आप यहाँ पर इसकी वारंटी चेकआउट कर सकते हो कि इसकी वारंटी आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, दिस डिवाइस इज़ आउट ऑफ वारंटी, तो कवरेज एक्सपायर्ड है। तो मैंने इसको अक्टूबर के मंथ में बाय करा था, जो कि मैंने दुबई से मंगवाया था। तो अब तक की इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 91% है। वरना 2 सालों में बहुत से आईफोन्स ऐसे होते हैं जो कि बैटरी हेल्थ को काफ़ी जल्दी ड्रॉप कर देते हैं, वो भी गलत चार्जिंग मेथड के कारण। गलत चार्जिंग मेथड अगर आप डे रूटीन में यूज़ करते जाओगे तो आपकी बैटरी हेल्थ दिनों दिन डिक्रीज़ होती जाएगी। इसीलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट टिल द एंड तक वॉच करना, ताकि आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को सेव कर सको और सही चार्जिंग मेथड को अप्लाई कर सको। सबसे पहले गाइस, अगर आप अपने डिवाइस के ऊपर मोटे केसेस को यूज़ करते हो, सिलिकॉन केस सबसे ज़्यादा मोटे होते हैं, जो कि हीट को बाहर पास आउट नहीं करते हैं, जिसके कारण वो एब्जॉर्ब करता रहता है केस हीट को और आपकी बैटरी को डैमेज करता रहता है। जितनी ज़्यादा आपके डिवाइस की बैटरी गर्म होगी, उतनी ही जल्दी आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो भी ड्रॉप होती रहेगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी अपने डिवाइस के ऊपर ज़्यादा हीटिंग नहीं करनी है। अगर आप अपने डिवाइस के ऊपर काफ़ी हीटिंग करोगे तो आपकी बैटरी हेल्थ स्टेबल नहीं रहेगी। स्टेबल रहने के लिए उसको एक बढ़िया सा टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसमें वो बढ़िया काम करती है। इसीलिए कभी भी अपने डिवाइस के ऊपर मोटा केस वाइल चार्जिंग और वाइल गेमिंग यूज़ ना करो। सेकंड नंबर के ऊपर बात आती है, आप अपने डिवाइस को चार्ज कैसे करते हो। यूजुअली हम अपने डिवाइस को चार्जिंग के ऊपर सेट कर देते हैं किसी भी परसेंटेज लेवल के ऊपर, और उसे कंप्लीट चार्ज करने देते हैं 100% तक। अगर आप अपने डिवाइस को हर टाइम 100% फुल चार्ज करोगे, इसके साथ आपका डिवाइस जो है वो आपके चार्जिंग साइकिल काउंट्स को इजीली काउंट कर लेता है और बैटरी साइकिल्स को इजीली मेंटेन नहीं कर पाता है, वो इंक्रीज़ करता जाता है बैटरी साइकिल काउंट्स को, क्योंकि जो आपकी बैटरी हेल्थ है वो आपके चार्जिंग साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा चार्जिंग साइकिल्स काउंट होते जाएंगे, उतनी ही आपकी बैटरी हेल्थ कम होती जाएगी। इसीलिए आपको अपने चार्जिंग साइकिल्स को काउंट को मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करना है, अपने डिवाइस को कभी भी 100% चार्ज मत करो। तो आपको चार्ज करना है 30 से लेकर 80% तक। तो 80% तक काफ़ी बढ़िया रहती है बैटरी, और आपके जो चार्जिंग साइकिल काउंट्स हैं वो भी इतनी जल्दी काउंट नहीं हो पाते हैं, जिसके साथ आप कई सालों तक अपनी बैटरी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। तो इसके साथ आपको इस चार्जिंग साइकिल को यहाँ पर यूज़ करना है वाइल चार्जिंग। कभी भी अपने डिवाइस को 100% चार्ज मत करो, हीट कभी मत करो अपने डिवाइस को, और 30 से 80% तक आपने डिवाइस को चार्ज करना चाहिए। तो आपको पता होगा जो आईफोन 15 सीरीज़ है उनमें आपको 80% लिमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो वो लिमिट का ऑप्शन इसीलिए आपने ने ऐड करा है, ताकि वो जो डिवाइस है अपनी बैटरी हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन करके रख सकें। इसीलिए 80% से ऊपर अपने डिवाइस को कभी चार्ज मत करो। उसके बाद अगर आप बैटरी हेल्थ चार्जिंग सेक्शन में ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग के ऑप्शन को ऑफ करके रखते हो, तो आपको इसे ऑफ नहीं करना चाहिए। ये जो ऑप्शन है आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज तरीके से चार्ज करती है और बढ़िया बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इसीलिए आपको इन सभी चार्जिंग टिप्स को यूज़ करना है। सबसे मेन बात आती है चार्जर की। अगर आप फेक चार्जर्स, ओरिजिनल चार्जर्स को यूज़ नहीं करते हो अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए और केबल्स को, तब भी आपकी बैटरी हेल्थ काफ़ी जल्दी से ड्रेन होने लगती है। इसलिए आपको ओरिजिनल केबल्स और चार्जर्स को ही यूज़ करना चाहिए जो एप्पल आपको प्रोवाइड करता है। बेशक इसमें कोई भी बात नहीं है कि वो महंगे आते हैं, बट आपको ओरिजिनल चीज़ें ही अपनी डिवाइस के लिए बाय करनी चाहिए अगर आप एक बढ़िया स्टैंडर्ड का डिवाइस यूज़ कर रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो ये जो टिप्स हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आप सभी के लिए बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो लेकर आप सभी के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।